नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित लक्की धवन रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं श्री कर्णपुर इलाके की खबर। आईजी के आदेश पर जिले भर में पुलिस की हथियारबंद नाकाबंदी। जैसा कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, बीकानेर आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर जिले भर में पुलिस की हथियारबंद नाकाबंदी की गई। पुलिस ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हथियारबंद नाकाबंदी करके प्रत्येक गाड़ी को चेक करके ही जाने दिया। इस दौरान शहरी क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध गाड़ी पकड़ने की जानकारी नहीं है। जानकारी के अनुसार आईजी के आदेश पर जिले भर में थाना प्रभारियों ने अपने अपने इलाके में मुख्य मार्गों पर हथियारबंद नाकाबंदी की। इस दौरान वाहनों की जांच पड़ताल की गई और कागजों की कमी पाए जाने पर श्री कर्णपुर इलाके में 7 चालान किए गए, लेकिन पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। इसके अलावा श्री कर्णपुर पुलिस द्वारा आने जाने वाले यात्रियों को समझाइश की गई कि काफ़ी धुंध होने के कारण किस तरह से गाड़ी को चलाया जाए, किस तरह से लाइटों को ऑन करके चलाया जाए और गाड़ी को ज़्यादा तेज रफ्तार में ना चलाया जाए। श्री कर्णपुर इलाके में श्री गंगानगर मार्ग पर शिव कुटिया के पास पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। श्री गंगानगर रोड पर सीओ सुरेंद्र सिंह राठौड़, हेड कांस्टेबल सरवन सिंह, ट्रैफिक पुलिस उग्रसेन, कांस्टेबल प्रवीण कालड़ा, दिनेश राजेश व पूरा पुलिस जाब्ता मौजूद रहा और पूरे पुलिस जाब्ते द्वारा सभी वाहनों की जांच की गई और सारा पुलिस जाब्ता वाहनों की जांच पड़ताल करते हुए पाए गए। गौरतलब है कि कड़ाके की ठंड में और घने कोहरे के बीच अपराधियों के सक्रिय होने की संभावना के बीच आईजी के आदेश पर थाना प्रभारी ए श्रेणी की नाकेबंदी में शामिल रहे। जल्द मिलता हूं आपसे एक और सच्ची खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप देखते रहिए सच्ची घटनाओं पर आधारित रियल हेडलाइन न्यूज चैनल और आगामी न्यूज में हमारे साथ देखें एक और नई सच्ची घटना। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपका अपना अमित लक्की धवन। जय हिंद जय भारत।